सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अक्ति के माई यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने प्ले स्टोर पर आयरन मैन के गेम्स सर्च की और तीन आयरन मैन के गेम्स ऐसे ढूंढे जो टॉप के गेम्स थे प्ले स्टोर पर। सो हम लोग वही तीन गेम्स खेलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि तीनों गेम्स कैसे होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा जो पहला आयरन मैन का गेम है, ग्राफिक्स एकदम सही है और 2D गेम है। और मारता क्या है, केवल दो ही बटन दे रखे हैं, मारो और पीछे हटो। ये जॉयस्टिक दे रखी है और मैंने पहले ही बंदे को निपटा दिया। अभी हमारा लेवल क्लियर हो चुका है। वैसे देखा जाए तो इतना ख़राब गेम नहीं है। मतलब देखो अब क्या, आयरन मैन तो लग नहीं रहा है। ये नहीं है आयरन मैन, ही आयरन मैन का कोई सूट है पता नहीं भाई, लेकिन आयरन मैन इसमें उड़ नहीं रहा है, केवल बस ज़मीन पे ही रह के मार रहा है। अभी एक बटन और मिल गया है हमको और मुझे खेलने में भी मज़ा आ रहा है। दरअसल देखो 16-17 हिट्स कितना है, मतलब मज़ा आ रहा है यार खेलने में। देखो ऐसे 2D गेम मार रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है गेम। गेम को मैं दूंगा 3 स्टार्स। अभी देखो बंदे आ रहे हैं और ये देखो मैं मार रहा हूँ। ग्राफिक्स काफ़ी सही है, मतलब देख रहे हो ग्राफिक्स और स्मूथनेस है गेम में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम है। सो आप लोग भी अगर खेलना चाहो तो गेम का नाम है आयरन फाइटर 2 और गेम काफ़ी सही है। बंदे ही बदल बदल के दे रहे हैं, देखो ये देखो। अभी गेम काफ़ी टफ हो चुका है, वैसे बंदे ज़्यादा आ रहे हैं। 20-23 हिट्स देखो मैंने दिए एक साथ, और इसके साथ 24 नहीं, अब नहीं दे पाया, बस इतने ही। सो ये गेम तो सही है, बढ़ते अब अपने अगले गेम की तरफ, गेम नंबर 2। इस गेम का नाम भी आयरन फाइटर है पर इसमें आयरन मैन कहा है यार। मैंने स्टार्ट कर दिया है, अभी देखते हैं। इसमें आयरन मैन नहीं दिख रहा है, वॉल्वोरिन वगैरह दिख रहे हैं, ये क्या बात है। अरे आयरन मैन गेम बोल के ये क्या पकड़ा दिया, चलो कोई नहीं चूना लग गया। चलो इसको खेल के देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं, चूना लग गया तो लग गया यार। अभी खेल के देखते हैं कि कैसा गेम होने वाला है। ये क्या, फ्री मोड खेलेंगे, स्टोरी मोड नहीं खेलेंगे क्योंकि उसमें लेवल चलने लगेगा। ट्रांसफॉर्म एंड किल द एनिमीज, ये कैसे चल रहा है ऐसे, अरे ये कैसे चल रहा है यार। ग्राफिक्स एकदम घटिया है और गेम का कुछ पता नहीं, ये कैसे चल रहा है, ये क्या सामने क्या दिख रहा है। चलो देखते हैं क्या होगा ये। इसमें आयरन मैन वगैरह बना हुआ है, मुझे लगता है हाँ यहीं पे जाके ट्रांसफॉर्म होना होगा ना, मतलब जो हीरो चुनना चाहो वो हीरो चुन सकते हो। यहाँ पे हल्क भी बन सकते हैं, आयरन मैन के गेम में हल्क नहीं, हल्क की वीडियो अलग से बनाऊंगा, व्यूज लेने हैं ना। अरे ये क्या बंदा आना, अरे भाई अरे ये भालू वगैरह मारने आ रहे हैं हमको, इतनी सारी एबिलिटीज हैं। चलो टेस्ट करते हैं इनके ऊपर, आजा भालू आजा। अरे ये क्या यार, कंट्रोल थोड़ा घटिया इसका, ये देखो कहाँ मार रहा है, मैं जहाँ मारने को कह रहा हूँ वहाँ मार ही नहीं रहा है। अरे भाई ओहो, ये कौन सी एबिलिटी थी, ये एबिलिटी मस्त थी, कौन सी थी पता नहीं। चलो और बंदे को ढूंढते हैं, बंदे हमारे पास खुद ही आ रहे हैं, दरअसल हमको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये दरअसल एनिमी है। ये देखो भालू फिर से आ गया, आजा भालू, ये ले तेरे पे लेजर मारूंगा, लेजर बेजर। ये गेम खेलने मुझे थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, मतलब देखो इसमें एबिलिटी कितनी सारी दे रखी है। आप लोग भी खेल सकते हो, इसका नाम भी आयरन फाइटर ही है, पता नहीं क्यों सबका गेम सभी का नाम एक ही है यार, तीनों का नाम लगभग सेम ही है। और ये एक बंदा इधर से आ रहा है, चलो इसको भी मारते हैं। ये वाली एबिलिटी देखो पूरा इंसान उड़ा देती, एक साथ सभी को मार देती ये वाली एबिलिटी। सो ये गेम भी बढ़िया है, अब बढ़ते अपने अगले गेम की तरफ। हाँ तो पेश है आपके सामने आज का सबसे घटिया गेम, जिसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि कंट्रोल में नहीं आता, और सेंसिटिविटी का ऑप्शन भी नहीं है इसमें, कमाल की बात है ना। लेकिन एबिलिटी बहुत सारी है इसमें, देख लो कितनी सारी एबिलिटीज हैं, और सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ तो पूरा का पूरा घूम जा रहा है। बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इसको कंट्रोल करना, और ये क्या दबा दिया मैंने। तो चलो कुछ तो करते हैं, मैप में बंदे दिख ही रहे हैं, मतलब जानते ही हो रेड कलर के बंदे होते ही हैं। अभी किधर चलना है, कहाँ जाके मारूँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यार इसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है। तो ये गेम मतलब सो इस गेम के डेवलपर चाहे तो इस गेम को सही कर सकते हैं, मतलब इसमें क्वालिटी है गेम में। और देख लो मतलब एबिलिटी भी ज़्यादा है इसमें हर के मुकाबले, अब एबिलिटीज काम कैसे करती हैं ये देखना है। अबे भाई आग देखो, ये आग कैसे फेंक रहा है बंदे, भाई मार रहे हैं आग फेंक रहा।
इसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि बंदों के ऊपर निशाना ही नहीं लगेगा। ये देखो कहाँ कहाँ मार रहा हूँ। अरे भाई ये क्या है, ये बॉल मार रहा हूँ बंदों के ऊपर, मर ही नहीं रहे। अरे सेंसिटिविटी इसकी इतनी ज़्यादा है, मतलब एक ही बात कितनी बार बोल चुका हूँ। आप डेवलपर्स की मर्जी भाई, नहीं तो ये गेम सही तो हो ही जाता। चलो कोई नहीं, हम लोग खेलते अपना रिव्यू देंगे और चल देंगे, और क्या। मतलब इसमें आयरन मैन दिख रहा है ना कायदे से, बस उसका फेस सही नहीं है, बाकी आयरन मैन पूरा का पूरा है इसमें। और बंदा मारे जा रहा है, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो पीछे पड़ रहा है, आग से जला दूंगा तुझको। तो चलो और बंदों को ढूंढते हैं, मारते हैं। अभी कुछ एबिलिटी टेस्ट करना बाकी है। ये म्यूटियोर वाली कोई एबिलिटी है? नहीं यार, ये तो केवल आग का गोला फेंकती। मुझे लगा आयरन मैन थैनोस कब से बन गया, म्यूटियोर फेंकने लग गया। सो इस गेम को मैं दूंगा केवल 2.5 स्टार्स, क्योंकि इसके ऊपर नहीं दे सकता यार। गेम की सेंसिटिविटी को थोड़ा सही करो, मतलब निशाना लगे तो बंदे के ऊपर, कहाँ मार रहा हूँ कुछ पता ही नहीं है। और ये बंदे बहुत होते हैं इसमें वैसे तो। ये गेम भी सही है। तो गाइज अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। I'm not afraid of the dark.